समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को जौनपुर पहुंचे। यहां वह बरसठी ब्लॉक के आदमपुर निगोह स्थित श्री राम महाविद्यालय में पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश यादव ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की अपील करते हुए कहा कि यह आखिरी चुनाव है, इस बार जरूर समाजवादी पार्टी को जिता देना। उन्होंने कहा कि अगर नहीं जीते तो लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रहेगा। इस दौरान अखिलेश ने किसानों के मुद्दे और कोविड वैक्सीन को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। वहीं कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से कृषि बिल तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून नहीं हटाती है तो आने वाले समय में आपकी सरकार का कहीं भी पता नहीं चलेगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। अब MSP मांग रहे किसानों को बीजेपी को MSP देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ लोगों के हाथों में सब कुछ दे देना चाहती है। समाजवादी पार्टी जब किसानों के पक्ष में खड़ी हुई तो सरकार ने कहा कि यह किसानों का मुद्दा है, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। अखिलेश ने कहा समाजवादी किसान होते हैं, अगर समाजवादी किसानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा।